हेलो एवरीवन, मैं हूं रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल त्रिशा का संसार में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बेबी कॉर्न और मशरूम की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। तो गाइस, आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करे रखी है, जिसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच के लगभग तेल और तेल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू। तो इन्हें हमें भून लेना है और भून के इनका एक पेस्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे मैं ऑयल में डाल दूंगी और इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। प्याज को सॉफ्ट और या तो हल्का पिंक कलर का पहले होने देंगे। तो प्याज पक चुका है, अब मैं इसमें 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में 7 से 8 काजू, ये सारी चीज़ें डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी और इसमें ऐड करूंगी टमाटर। तो 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के ढक देंगे और ढक करके इसे 5 मिनट तक पकने देंगे, या तब तक पकने देंगे जब तक प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये पक चुका है, इसे मैं खाली कर देती हूँ कढ़ाई को और इसे ठंडा करके मैं पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। सेम कढ़ाई यूज़ की है मैंने, इसमें मैंने फिर से 1 चम्मच तेल डाल दिया है और यहाँ पे मेरे पास है बेबी कॉर्न, मशरूम और गाजर, ये मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इसे साथ ही में मेरे पास यहाँ पर है फ्रेश हरे मटर, ये भी डाल देती हूँ और इन सब्जियों को हमें अच्छे से भूनते हुए पका लेना है। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी आप चाहें। तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद ढक देंगे, ढक करके 5 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे सॉफ्ट होने देंगे, मतलब सब्जियों को थोड़ा अच्छे से पक जाने देंगे। पहले यहाँ पे सब्जियाँ हमारी पक चुकी है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो अलग अलग कढ़ाई, अलग अलग पैन यूज़ कर सकते हैं, पर मैं एक ही कढ़ाई में इसे बना रही हूँ। तो जो ऑयल बच गया था इसी में मैंने डाल दिया 4 से 5 करी पत्ते और आधा चम्मच जीरा। और जीरा पक जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और ये 3 मसाले इसमें डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। पहले गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ पे जो अभी प्याज और टमाटर को मैंने ठंडा करके पीस लिया था उसका पेस्ट डाल दिया, साथ में मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया, या 1/2 कप पानी डाल दिया है। इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड गरम मसाला पाउडर, और ये ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और मसालों को मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देना है, लगभग 5 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम पे पकने देना है। हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, स्लो फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस हमें करना है। तो मसाले को एक बार हम मिक्स कर देंगे, मिक्स चला देंगे ताकि ये नीचे लगे ना या जले ना। तो मसाले हमारे लगभग पक चुके हैं 50%। 50% मैं इसे अब खोल के ऐसे ही पका लूँगी और इसमें नमक ऐड कर देती हूँ मैं, ताकि मसाले हमारे और भी जल्दी से पक जाए। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अगर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं मिलता है तो आप नमक लास्ट में ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने जितनी मुझे सब्ज़ी ग्रेवी जैसी बनानी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया, साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1 गिलास पानी, 1 छोटी गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो बिना पानी के भी इसे ऐसे ड्राई ग्रेवी में भी बना सकते हैं, या और ज़्यादा पानी ऐड करके थोड़ा लिक्विड भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो सब्ज़ियाँ मैंने भून ली थी, मीन्स पका लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी, फिर ढक करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये पक जाए। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं पकी है, ये पानी, मसाले और जो भी सब्जियाँ थी सब एक दूसरे में मिल चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। मैं इस पे ऊपर से डालूंगी फ्रेश हरी धनिया की पत्ती, इसे मिक्स कर दूंगी और एंडिंग में मैं इसमें यूज़ करूंगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और कसूरी मेथी और करी धनिया की पत्ती ऐड करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक करके। उसके बाद देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है, आप इसे रोटी, चपाती, राइस के साथ खा के एंजॉय कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।